नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अमिताभ बच्चन तथा प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म, बड़े बजट की फिल्म प्रोजेक्ट के दोस्तों, जिसे नागास्वामी डायरेक्ट कर रहे हैं, वो ना केवल हिंदी में बनाई जा रही है बल्कि दोस्तों तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा सहित सभी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। पैन इंडिया रिलीज है, बहुत बड़ी रिलीज है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये अब तक की भारतीय इतिहास की सबसे बड़े बजट की फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक बार ये कहा गया था कि इस फिल्म का बजट करीब 500 करोड़ रुपए होगा, लेकिन दोस्तों अंदर के सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये है कि इस फिल्म का बजट 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, साईफाई मूवी है, इतने जबरदस्त आपको एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलने वाले हैं जो आपकी कल्पना से भी परे है। आपने आज तक ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस नहीं देखे होंगे, ऐसी स्टोरी नहीं देखी होगी, ऐसे कंटेंट नहीं देखे होंगे। एक नए ही तरह का यूनिवर्स यहाँ पे नागास्वामी के द्वारा रचा गया है। दोस्तों, फिल्म को हिंदी में और तेलुगु में अलग अलग डब किया जा रहा है, अलग अलग शूटिंग की जा रही है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये फिल्म होने वाली है। अमिताभ बच्चन ने खुद रिवील किया था कि उन्हें दो दो बार शूटिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों, काफी बड़ी फिल्म है, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है और इसकी शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी प्रमुख कलाकार है, बाकी और भी बहुत बड़े बड़े कलाकार है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कई बड़े कलाकारों का इसमें कैमियो हो सकता है, इसके बारे में भी खबरें आ रही है। तो दोस्तों, इस फिल्म से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको लगातार अपने चैनल पे देता रहा हूँ। आज के वीडियो में फिर मैं आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट्स इस फिल्म से जुड़े हुए देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है ये रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई है। रिलीज से पहले इसकी इतनी ज्यादा हाइप है कि दोस्तों, जो भारत की कई टेरिटरीज है उनमें सबसे बड़ी टेरिटरीज में से एक निजाम में इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। और दोस्तों, जब आप प्राइस सुनोगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतने प्राइस में आज तक किसी भी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स नहीं बेचे गए जितने की प्रोजेक्ट के बेचे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, निजाम टेरिटरी के लिए इस फिल्म के राइट्स 70 करोड़ रुपीज में बेचे गए हैं, जबकि दोस्तों इससे पहले ये जो हाईएस्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स के बेचने का जो रिकॉर्ड था वो दोस्तों फिल्म RRR के नाम था, जिसके राइट्स 54 करोड़ रुपीज में बेचे गए थे। वही दोस्तों तीसरे नंबर पे आती है साहो, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स 51 करोड़ रुपीज में बेचे गए थे। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट के ने रिलीज से पहले ही एक नया इतिहास बना दिया है। धमाकेदार ओपनिंग शुरू में ही इस फिल्म ने कर ली है, 70 करोड़ के राइट्स इसके निजाम टेरिटरी में बिके हैं। और दोस्तों, डेफिनेटली इतनी बड़े बजट की फिल्म है तो इस फिल्म को डेफिनेटली और भी ज्यादा अच्छा करना होगा, और ये करेगी भी, क्योंकि ये फिल्म जिस प्रकार से इसकी रिपोर्ट आ रही है, जिस प्रकार के इसके स्क्रेच वीडियो जारी किए जा रहे हैं मेकिंग के बारे में, तो बहुत ही जबरदस्त एक यूनिवर्स रचा गया है। स्टंट और VFX पे इस पे काम किया जा रहा है इस समय, मतलब ये पोस्ट प्रोडक्शन में चली गई है। VFX बहुत हाई VFX इस फिल्म में होने वाले हैं, ऐसे VFX आपको देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कहीं नहीं देखे होंगे। तो बहुत बड़ा काम इस पे किया जाएगा और साल के अंत तक इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त एक्शन के साथ आपको मैंने एक वीडियो में ये भी जानकारी दी थी कि तीसरे विश्व युद्ध की इमेजिनरी स्टोरी इस फिल्म में, काल्पनिक स्टोरी इस फिल्म में ली गई है, और अमिताभ बच्चन शायद इसमें एक जो इमोर्टल अश्वत्थामा है, जो अश्वत्थामा जी जो हमारे हुए हैं महाभारत में, अश्वत्थामा महान योद्धा, उनसे प्रेरित एक किरदार अमिताभ बच्चन या निभाने वाले, बिग बी निभाने वाले, और प्रभास का भी बहुत ही जबरदस्त इसमें लुक है और जबरदस्त रोल है, जबरदस्त एक्शन से भरपूर ये मूवी है। तो जैसे ही इस फिल्म के बारे में और अपडेट्स आते हैं मैं आपको तुरंत लगातार अपने चैनल पे अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इतना ही, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इस फिल्म का कितना इंतजार कर रहे हैं और आपको इस फिल्म से कितनी अपेक्षाएं है। क्या प्रभास और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाली है? जो भी आपकी राय हो आप कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।